ये हमारी वो बेटी है जो पहले बोल और सुन नहीं सकती थी, अब इसका इलाज हो गया है। और ऐसा और कोई बेटा बेटी हो तो छोड़ना मत, मामा को खबर करना, उसका पूरा इलाज करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मध्य प्रदेश की जनता प्यार से मामा भी कहती है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। वीडियो में शिवराज सिंह चौहान मंच पर जनता को बतलाते हैं कि जो बच्ची को आप देख रहे हैं, वो बच्ची पहले बोल और सुन नहीं पाती थी, परंतु हमने इनका इलाज करवाया और अब ये बच्ची बोल पाती हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से एक हैं। उन्होंने सीएम जन कल्याण योजना के तहत विकलांग बच्चों को स्वस्थ बनाने का परियोजना निकाला है, जिसके तहत जो बच्चे बोलने सुनने में असहज हैं, उन्हें सरकार के द्वारा अच्छे इलाज मुहैया कराई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो वीडियो साझा किया, उसे देखने के बाद हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि जो बच्ची जन्म से बोल नहीं पाती थी, सुनने में असहज थी, उस बच्ची को शिवराज सिंह चौहान ने एक नया जीवन प्रदान किया है। देखिए शिवराज सिंह चौहान का दरिया दिली। ये हमारी वो बेटी है जो पहले बोल और सुन नहीं सकती थी, अब इसका इलाज हो गया है। और ऐसा और कोई बेटा बेटी हो तो छोड़ना मत, मामा को खबर करना, उसका पूरा इलाज करवाया जाएगा। अब ये बेटी बोलने लगी है और माँ है इनकी, अब बेटी कुछ बोले। एक बार तालियां हो जाए। बच्ची ने बोला मामा, पहले ये बोल भी नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी, इसलिए बोल भी नहीं सकती थी। बहरहाल वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्ची माइक पर मामा मामा कहती है, जिसको सुनकर शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो जाते हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान रेवा अपने सार्वजनिक जनसभा में जा रहे थे, उसी दौरान भोपाल रेवा हाईवे पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को रुकवाया और फौरन दुर्घटनाग्रस्त स्थान पर पहुंचकर लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। शिवराज सिंह चौहान का ये व्यवहार मध्य प्रदेश के अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग बनाता है। शिवराज सिंह चौहान के इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।